आज तारीख हो चुकी है 5 फरवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं स्टूडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 10 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है वुमेन्स प्रीमियर लीग की तरफ से। दरअसल वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो पहला एडिशन होगा, उस एडिशन का यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन 13 फरवरी को मुंबई से लाइव देखने को मिलेगा। ऑक्शन के लिए सभी टीमों को यहाँ पर 12 करोड़ का पर्स बैलेंस अलॉट किया गया। कल यहाँ पर बीसीसीआई ने कंफर्मड कर दिया कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में मेन आईपीएल की तरह यहाँ पर 25 मेंबर्स का स्क्वाड नहीं होगा, बल्कि मैक्सिमम यहाँ पर 18 मेंबर्स का टीमों को स्क्वाड बिल्ड करना होगा और मिनिमम यहाँ पर 15 मेंबर्स यानी 15 खिलाड़ी टीमें अपने स्क्वाड में रख पाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम प्लेयर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर टीमों को पता चल चुकी है। अब जल्दी यहाँ पर वुमेन्स प्रीमियर लीग का अब ऑक्शन यहाँ पर आने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो ऑक्शन हम टेलीकास्ट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए आप इस ऑक्शन के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है रॉबिन उथप्पा की तरफ से। दरअसल रॉबिन उथप्पा ने यहां पर जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर उथप्पा ने बताया कि जसप्रीत बुमराह को पूरा आईपीएल एडिशन खेलना चाहिए, आईपीएल के पूरे 14 मैचेस खेलने चाहिए, क्योंकि आईपीएल में बुमराह को यहां पर दुनिया के सभी यहां पर टॉप बल्लेबाज मिलेंगे, उनके सामने बुमराह को बॉलिंग करनी होगी। तो अगर वहां पर बुमराह अच्छा प्रदर्शन करते तो बुमराह दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे और उस कॉन्फिडेंस का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर भारतीय टीम जाएगी तो वहां पर इनको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही यहां पर एशिया कप में उस कॉन्फिडेंस का फायदा होगा और यहां पर 2023 के यहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बुमराह को यहां पर फायदा होगा। तो कुल मिलाकर यहां पर रॉबिन उथप्पा ने बुमराह को लेकर यहां पर ये बड़ा स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट के बाद कुछ लोग तो इनकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहां पर बुमराह को सही में पूरा आईपीएल खेलना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या उथप्पा की यहां पर सही सोच सही रही है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है काइरोन पोलार्ड की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर पोलार्ड के पिछले कुछ पारियों के स्कोर कार्ड देख पर जहां पर 86 इसके साथ ही 67 50 इसके साथ ही 19 और 43 रन की पिछले इनकी यहां पर कुछ पारियां रही है, पिछली 5 पारियां रही है। पारियों के आ जाने के बाद सोशल मीडिया पर यहां पर पोलार्ड को लेकर यहां पर इस प्रकार के यहां पर पोस्ट या फिर मीम बन रहे कि पोलार्ड ने काफी जल्दी रिटायरमेंट ले ली, अब भी पोलार्ड के पास काफी अधिक क्रिकेट बचा है, अभी तक ये केवल यहां पर 35-36 साल की इनकी केवल उम्र है, इनके पास काफी अधिक क्रिकेट बचा है, काफी जल्दी इन्होंने रिटायरमेंट यहां पर घोषित कर दी है। और इसके साथ यहां पर कुछ टीमों ने तो पोलार्ड को यह तक का प्रपोजल दिया है कि अगर पोलार्ड यहां पर कमबैक करना चाहे तो वो टीमें पोलार्ड को अपनी टीम में यहां पर शामिल करने के लिए भी तैयार है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चेन्नई इसके साथ ही हैदराबाद इसके साथ ही पंजाब जैसी टीमें ये यहां पर पोलार्ड को प्रपोजल दे चुकी है, लेकिन पोलार्ड तो यहां पर मुंबई के बल्लेबाज कोच बन चुके, तो इस साल शायद पोलार्ड दोबारा कमबैक ना करे। हो सकता है अगले साल ये कमबैक कर ले, अगले साल रिटायरमेंट छोड़कर ये ऑप्शन में आ जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या पोलार्ड को कमबैक करना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है कुछ खिलाड़ियों की तरफ से जो कि आईपीएल शुरू होने से पहले यहां पर रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। दरअसल यहां पर इस आईपीएल एडिशन से पहले दो खिलाड़ी यहां पर पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं, जहां पर अंबती रायडू और अमित मिश्रा का नाम निकल कर आ रहा है जो कि यहां पर पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। जहां पर रायडू ने तो यहां पर पिछला आईपीएल समाप्त होने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, लेकिन चेन्नई की रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी और आईपीएल का ये एडिशन खेलने का फैसला लिया था। तो कुल मिलाकर रायडू कभी भी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते, हो सकता है कि आईपीएल से पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, अदरवाइज आईपीएल के बाद तो इनकी तरफ से रिटायरमेंट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। इसके साथ ही यहां पर अमित मिश्रा भी यहां पर अब रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते, 41 साल के हो चुके, हालांकि इनको यहां पर लखनऊ ने परचेस किया, तो हो सकता है कि लखनऊ के लिए ये आईपीएल एडिशन खेलकर ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। तो कुल मिलाकर इन दो खिलाड़ियों की तो यहां पर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड रूप से या तो आईपीएल से पहले या फिर आईपीएल के बाद हमें रिटायरमेंट देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहां पर इन खिलाड़ियों को और आगे आईपीएल को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वुमेन्स प्रीमियर लीग के यहां पर प्लेऑफ्स की सिनेरियो को लेकर। दरअसल वुमेन्स प्रीमियर लीग के प्लेऑफ्स का सिनेरियो बीसीसीआई ने बता दिया, जहां पर वुमेन्स आईपीएल में या फिर वुमेन्स प्रीमियर लीग में 5 टीमें रहेगी, लेकिन प्लेऑफ्स यहां पर टोटली डिफरेंट रहेगा। जहां पर आईपीएल में 4 टीमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होती है, लेकिन वुमेन्स प्रीमियर लीग में केवल 3 टीमें यहां पर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होगी और जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर टीम रहेगी वो डायरेक्टली फाइनल में क्वालिफाई हो जाएगी। इसके साथ ही नंबर 2 नंबर 3 की टीम यहां पर एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी, जो टीम मुकाबला जीतेगी वो डायरेक्टली यहां पर नंबर 1 की टीम के खिलाफ यहां पर फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो कुल मिलाकर प्लेऑफ्स के केवल 2 मुकाबले होंगे, एक फाइनल मुकाबला
मुकाबला होगा और एक एलिमिनेटर मुकाबला होगा। इसके साथ ही जो टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर एक पर रहेगी वो यहाँ पर डायरेक्टली फाइनल खेलेगी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर नंबर एक पर रहने वाली टीम को काफी अधिक फायदा है, केवल एक मैच जीतकर वो टूर्नामेंट यहाँ पर जीत सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको आखिर ये यहाँ पर प्लेऑफ्स की इक्वेशन आखिर सही लगी या फिर नहीं। हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर अब टेस्ट में पिंक बॉल की एंट्री को लेकर। दरअसल हमने देखा है कि यहाँ पर टेस्ट में रेड बॉल का यूज होता है, लेकिन डे नाइट टेस्ट मुकाबले में पिंक बॉल का यूज होता है, लेकिन अब सभी टेस्ट मुकाबलों में पिंक बॉल का हमें यूज देखने को मिलेगा, जहां पर पिंक बॉल यहाँ पर दिन में भी काफी अधिक विजिबल होती है। हमने देखा है कि पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों में यहाँ पर कम रोशनी होने पर अंपायर यहाँ पर बॉल कम विजिबल होने की वजह से खेल को रोक देते हैं, लेकिन पिंक बॉल से यहाँ पर ऐसा इशू नहीं होगा। बादल होने पर भी पिंक बॉल काफी आसानी से यहाँ पर विजिबल होगी, इसी वजह से यहाँ पर क्रिकेट कंटिन्यू रहेगा। तो कुल मिलाकर पिंक बॉल की यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में एंट्री के बाद हो सकता है कि शाम 6 बजे तक भी हमें टेस्ट मुकाबले यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिला। आप कमेंट करके बताइए क्या पिंक बॉल की यहाँ पर टेस्ट में एंट्री कराने का या आईसीसी का सही फैसला है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं आठवीं बड़ी खबर की, तो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती है एशिया कप को लेकर। दरअसल इस साल का एशिया कप जो कि यहाँ पर सितंबर में शुरू होगा, उस एशिया कप को लेकर लगातार सवाल थे कि अगर पाकिस्तान में ये एशिया कप होगा या फिर कई और ये एशिया कप होगा, जहाँ पर पाकिस्तान इस साल एशिया कप की होस्ट कंट्री थी, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान जाने से साफ तौर पर मना कर दिया। बीसीसीआई ने और प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया। तो यहाँ पर एशिया क्रिकेट काउंसिल ने अब फैसला लिया है कि एक बार फिर से यहाँ पर दुबई में हमें एशिया कप देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर पिछले साल जो दुबई में एशिया कप हुआ था, उसी प्रकार से इस साल भी हमें दुबई में एशिया कप देखने को मिलेगा, जहाँ पर 50 ओवर फॉर्मेट में एशिया कप होगा। इससे पहले 50 ओवर फॉर्मेट में 2018 में जब दुबई में एशिया कप हुआ था तो भारत ने एशिया कप जीता था। हो सकता है कि इस साल भी भारतीय टीम दुबई में एशिया कप जीत जाए। आप कमेंट करके बताइए क्या भारतीय टीम दुबई में इस साल यहाँ पर 50 ओवर के फॉर्मेट का एशिया कप जीत सकती है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नवी बड़ी खबर की, तो नवी बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर मुंबई और गुजरात जायंट्स की तरफ से। दरअसल आईपीएल की यहाँ पर दो टीमें जिन्होंने वुमेन्स प्रीमियर लीग में टीमें परचेज करी है, मुंबई और गुजरात ने अपने मेंटर्स की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी है, जहाँ पर गुजरात के लिए मिताली राज यहाँ पर मेंटोर बनी है, जबकि मुंबई के लिए यहाँ पर जुलेन गोस्वामी यहाँ पर मेंटोर बनी है। तो इन दोनों फ्रेंचाइजियों ने अब वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन से पहले अपने मेंटोर्स की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया। अब बात करते हैं दसवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो दसवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वाती है यहाँ पर एमएस धोनी और सौरभ गांगुली की तरफ से। दरअसल यहाँ पर कल के दिन एमएस धोनी और सौरभ गांगुली एक साथ यहाँ पर नजर आए थे, काफी अधिक सोशल मीडिया पर ये फोटोज वायरल हुई थी। यहाँ पर सौरभ गांगुली अब दिल्ली कैपिटल्स की यहाँ पर कोचिंग स्टाफ में दोबारा से आ चुके, तो आईपीएल में एक बार फिर से सौरभ गांगुली एमएस धोनी मिलेंगे, लेकिन एमएस धोनी और सौरभ गांगुली की ये फोटोज काफी अधिक सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आप कमेंट करके बताइए कि एमएस धोनी अपने आखिरी आईपीएल एडिशन में आखिर यहाँ पर आईपीएल खिताब जीत पाएंगे या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।